अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा तो आज हम आए हैं ज़रा अलनादा गिफ्ट सेंटर में। ये है जो कि शारजा में भी है और ऑब्वियसली दुबई में भी है, तो यहाँ पे आए हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, छोटे मोटे अपने लिए सर्फ वगैरह ले ली कपड़े धोने के लिए। और उसके बाद ये फिर बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें की प्राइजेस क्या हैं और उसके बाद एक्सपेंसिव है कि नहीं है और यहाँ आके आपको चीज़ें कहाँ पर मिल सकती है मुनासिब। अच्छा, ये मैंने पाउडर लिया है, डिटर्जेंट पाउडर। आप अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ मुझे ऑलमोस्ट 10 दिरहम का मिला है। 10 दिरहम की अगर बात करें तो ये, अगर आप इसको कैलकुलेटर देने बैठ गए तो ऑलमोस्ट 750 और 800 रुपीज़ बनते हैं। 3 3 केजी का, ये 3 केजी का डिटर्जेंट कहाँ पे मिलता है। साथ में एक मैंने बूस्ट वो लिया है, ज़रा बूस्ट करने के लिए एनर्जी ड्रिंक भी लिया। उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने कहा चलो अपने लिए शेविंग के लिए जो है ना वो ले लेते हैं, मशीन ले लेते हैं जो कि बियर्ड के लिए। मैंने कहा बियर्ड भी ज़रूरी है, बियर्ड यहाँ पे महंगी है, जो सैलून्स है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसी वजह से मैं यहाँ पे जो है मैंने मशीन को मुनासिब समझा लेना। लेकिन अभी मुझे इसमें बहुत कुछ लो क्वालिटी भी है, अच्छी क्वालिटी भी है, लेकिन मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल नहीं रही, तो देखते हैं कौन सी लेनी चाहिए। ये 17 17 दिरहम की, 18 की है, 20 की है, ये 9 16 की है। लेकिन मुझे जो पसंद आई थी वो ये थी, लेकिन इसमें मुझे ठीक नहीं लगी कोई भी, मैंने खोल के देखा और देखते हैं आप। अच्छा, ये वाली मशीनें की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान में जो है ये सेम सेम 2 2 हज़ार में मिलते हैं, यहाँ पे 8 8 सौ, मतलब 9 10 दिरहम की। अच्छा, बड़ी मेहनत के बाद फिर मैंने फाइनली ये मशीन ली, जो कि काफ़ी मेहनत लगी मुझे। एक एक डब्बा मैंने खोला, चेक किया प्रॉपर चल कौन सी रही है, इसको मैंने चलाया काफ़ी देर, लेकिन ये मुझे ठीक लगी है तो हमने ये भी बाय कर लिया। तो ये ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, स्पेशली मर्दों के लिए जो बहुत ज़रूरी होती हैं, तो ये चीज़ें लेनी चाहिए। उसके बाद अगर हम ड्रायर की बात करें तो ये ड्रायर यहाँ पे 10 दिरहम 20 दिरहम और ये इतने में मिल रहे हैं, मुनासिब है। हर चीज़ यहाँ पे इनके पास, एवरी एवरी एवरीथिंग यू वांट, एनीथिंग यू वांट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल हेयर। ओके, अच्छा, यहाँ पे ना आपको हर किस्म की क्वालिटी, हर किस्म की चीज़ नज़र आएगी। लालटेन नज़र आएंगे, फिर उसके बाद गाड़ियों की, इवन के पोशिश की चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखें, ये आप चीज़ें ये यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके बाद अगर आप इवन के रेस और ब्रेक की पैडल्स भी ढूंढना चाहते हैं तो वो भी आपको ये यहाँ पे मिलेंगे। तो ये स्टेयरिंग्स आएंगे, सीटें हैं, पोशिश हैं, जिस भाई को ये चीज़ें चाहिए ये भी बड़ी मुनासिब कीमतों में मिल रही है, इंतहाई मुनासिब कीमतों में। ये अगर हम करें विंड स्क्रीन के ब्लाइंडर्स की, तो ये भी 10 दिरहम में इवन के मिल रहे हैं, जो कि 2 4 होते हैं पर पीस में। हुक्के की अगर बात करें, शीशा की, जिसको आप लोग मोस्टली पीते हैं, ये होता मिलता है बड़े वाला, अच्छे साइज़ का जो है ये 40 दिरहम का है। उसके बाद अगर छोटे की तरफ जाएं तो ये 29 दिरहम का है और ये भी सेम इसी तरह के सेम प्राइजेस में। फिर स्टील वाले भी हैं और स्टील के अलावा जो कांच वाले हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हर चीज़, कहने का मतलब यह है कि इस नाहदा गिफ्ट सेंटर में आपको एक एक चीज़ मिलेगी इंतहाई मुनासिब कीमत में, और बहुत ही, अगर जिस जो नहीं भी अफोर्ड कर पाएगा तो अगर वो प्राइजेस देखेगा तो उसको ये इंतहाई अफोर्डेबल लगेंगी। ठीक है, तो ये मकसद है वीडियो बनाने का, बस मकसद ये है कि आप लोगों के लिए सस्ती और मेयारी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिलती हैं, कहाँ से नहीं, तो ये बस वजह ये थी इस वीडियो बनाने की। अच्छा, उसके बाद मुझे जो चाहिए था वो बॉडी बाथ जो लूफा है ये मुझे चाहिए था अपने लिए, तो फिर ये चीज़ भी मुझे ज़रूरत है तो हम लेते हैं इस चीज़ को। मुझे इसमें ये सबसे बेहतर लगा है क्योंकि आप इसको जस्ट हाथ में पहनाते हो और आप सोप से अगर नहा रहे हैं, बॉडी वॉश से नहा रहे हैं, तो वो बस इसमें रखें और अपने आप को सही से साफ़ करें जो भी जैसे भी है। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें अगर आप पाकिस्तान से लेके आ रहे हैं तो अपना वज़न बढ़ाने के लिए, लगेज का वज़न उससे उसके लिए बिल्कुल भी ना लाएं, ये यहाँ पे आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। तो ये चीज़ें थी, ये मैंने ले ली।
उसके बाद हम बाकी भी छोटी मोटी चीज़ें लेंगे तो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा। बाकी ये ब्रश वगैरह मैं कल ले गया था अपने लिए सफाई के लिए। उसके बाद हाँ, ये जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये अपनी ज़ुबान में तो हम बाल्टी या टब बोलते हैं, तो ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पानी जो है ना वो बहुत गर्म आता है। लोग पता है क्या करते हैं, लोग रात को इसके फिल अप करके रख देते हैं वॉशरूम में, सुबह वही पानी जो है ठंडा हुआ होता है और उसी ठंडे पानी से जो है ना आप लोग फिर शॉवर लेते हैं या फिर बाथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंफॉर्मेटिव और अच्छी चीज़ें हैं, तो इसको ज़रा जो है ना गौर से देखिएगा वीडियो को। अच्छा, अक्सर रात को ना मेरा ग्रीन टी का दिल करता है पीने का, तो मैंने कहा चलें कोई ग्रीन टी भी साथ ले लें। तो इसमें मुझे अब सबसे ज़्यादा मिंट वाला भी अच्छा है, फिर लिप्टन का है, उसके बाद अगर बाकी दिखाएं तो बाकी भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रांड्स के अपने अपने ग्रीन टी लगे हुए हैं। तो मैं अगर पर्सनली जिंजर का लेना चाहूँ तो मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक ले लूँ। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिरहम का, तो एक डब्बा मैं ये ग्रीन टी भी ऐड कर लूँगा। तो ये है ग्रीन टी पोर्शन। बाकी हर किस्म का, अभी अगर ये दूध की बात करें, अगर आप चाय लवर्स हैं तो ये इसको बोलते हैं, मेरे जहन से निकल गया, लेकिन ये मिल्क फॉर्म में होता है और ये दूसरा मिल्क होता है जो कि ख़राब नहीं होता, आप इसको एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो ये लेस फैट मिल्क है, आप इसको बाय कर सकते हैं एनी टाइम, जब भी आपका चाय का दिल करे तो बस पानी के अंदर आपने ये मिलाना है, पानी कम, और आपको जो है प्रॉपर चाय बन जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मायने रखती हैं आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, तो ये लेनी चाहिए। अच्छा, इस साइड पे आते हैं तो हमारे पास ये शैम्पूस, हर किस्म के शैम्पू यहाँ पे अवेलेबल है, कैरेटिन से लेके, मरहबा से लेके, हेड एंड शोल्डर से लेके। तो मुझे तो बहरहाल शैम्पू नहीं चाहिए, मैं अपने साथ लेके आया हुआ हूँ, तो मैंने अपने लिए एक ये शॉवर जेल लेनी है, बॉडी वॉश लेना है। तो जो यहाँ पे मुझे इस टाइम पसंद आ रहा है एलोवेरा का, तो मैं सोच रहा हूँ ये एलोवेरा वाला ले लूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलोवेरा की एक जेल ले लेते हैं, क्योंकि मैंने फाइनल ये ली हुई, ये देखो। इसकी अगर प्राइस की बात करें तो ये भी 10 दिरहम में आपको मिल जाएगी। तो इस पे मैं काफ़ी ज़्यादा जो है ना शॉवर जेल्स हैं, आप कोई भी यहाँ पे अपने पसंद का पसंद कर सकते हैं, निविया का भी है, हर चीज़ है। निविया के अलावा बाकी काफ़ी ज़्यादा शॉवर जेल हैं, लक्स का है, हर किस्म का शॉवर जेल यहाँ पे मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब कहने का ये है कि हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद ज़रूरी चीज़ें आ जाती हैं, ये होता है होम सीरीज़ में ये चीज़ें आती हैं हुक, या आप कहीं भी दीवार पे जो है ना पंच करके अपने कपड़े या कोई भी चीज़ें आप उसको टांग सकते हैं किसी भी चीज़ के साथ। अब ये हुक हो गया तो ये भी मेरे लिए ज़रूरी है, तो हमने कहा चलें ये भी ले लें। जिस चीज़ पे नज़र पड़ी है ना तो वो बिल्कुल ज़रूरियात के मुताबिक ही पड़ रही है, कोई ऐसी फजूल चीज़ें इन्होंने नहीं रखी हुई। तो एनी हाउ हम लेते हैं, फिलहाल मैं तो सिंगल पर्सन हूँ तो मेरे लिए कोई भी चीज़ चलेगी, लेकिन देखते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। आई विल पिक दिस वन, ओके, जस्ट टेक। कितने की प्राइस? 2 दिरहम की है, नथिंग। तो ये चीज़ें भी लाजमी ज़रूरी है, अगर आपके रूम में आपने कभी ड्रेस को टांगना होता है, जैसे पाकिस्तानी करते हैं कुर्ता शलवार टांग दिया या कुछ भी कर दिया, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऊपर जा रहे हैं, ये जो ऊपर जो हम जा रहे हैं स्लीपर स्लीपर लेने, क्योंकि मेरे पास एक स्लीपर की कमी थी, बाकी हर चीज़ मैंने ले ली थी। ये देखें ये कितना बड़ा गिफ्ट सेंटर है कि यहाँ से शुरू हो के हर एक दुनिया की चीज़ इस चीज़ में पड़ी, मतलब जो घर में यूज़ होती है ईच एंड एवरीथिंग, जूते से लेके बर्तन तक हर चीज़ यहाँ मिलेगी आपको। इवन फिर ऊपर वाले अगर फ्लोर पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास शूज़, पैंट, शर्ट्स, एवरीथिंग, ये चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। अच्छा, अगर जूतों की बात करें तो यहाँ पे लेडीज़ स्टफ भी मौजूद है, एक एक चीज़, और इंतहाई मुनासिब कीमत में। अब अगर इस जूतों की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ 15 दिरहम में आपको मिल रही है। आगे अगर विंटर सीज़न, क्योंकि आगे आने वाला है, तो इन्होंने विंटर वाला स्टॉक जो है अभी से ही लगा दिया। इसके बाद हम जेंट्स वाली साइड पर जाते हैं, क्योंकि मेरी ज़रूरत जेंट्स है, तो यहाँ से जाते हैं जेंट्स वाली। तो
तो मुझे कुछ अपने लिए चप्पल चाहिए थे, तो मैंने कहा सोचा यहाँ से ले लूँ, तो मैं यहाँ पे पसंद करूँगा कौन से जूते लेने चाहिए मेरे से जो हर टाइम यूज़ हो सके। तो काफ़ी ज़्यादा स्लीपर्स हैं यहाँ, लेट्स सी कौन से अच्छे लगते हैं। तो अच्छे क्या, बस घर में यूज़ करने हैं, नीचे उठने बैठने के लिए, तो कोई भी ले लेते हैं। अच्छा, तो ये एक स्लीपर मैंने ले लिए अपने लिए। इसकी अगर आपको प्राइस देखनी है तो प्राइस में आपको बता दें 10 दिरहम में, 3-4 दिरहम में भी मिलते हैं, लेकिन चले मैंने कहा ये भी ठीक है। तो ये इसके साथ साथ अब मेरी नज़र शूज़ में पड़ गई है, तो मैंने कहा चले शूज़ भी बाय कर लेता हूँ, क्योंकि मोस्टली अगर दिन में जब मेरा घूमना होता है तो मुझे शूज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, चप्पल में नहीं घूम सकता बंदा, तो ट्राउज़र के नीचे लाजमी है कि हम शूज़ पहने। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी लगी हुई है शूज़ की, तो कोई अच्छी क्वालिटी के देखते हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं 8 से लेके 12-13। अच्छे शूज़ों की अगर बात करें तो यहाँ पे मुझे एक शूज़ नज़र आए थे, ये शूज़ हैं, लेकिन ये कलर जो है ये थोड़ा सा वाइट है और वाइट मुझे पसंद नहीं है पर्सनली। तो इसके अगर प्राइस की बात करें तो ये मेरे ख्याल से 29 दिरहम के हैं। और उसके बाद मुझे ये एक पसंद आया, लेकिन ये भी 29 दिरहम का शूज़, लेकिन अच्छा है नो डाउट। तो देखते हैं पसंद करते हैं कौन सा शूज़ लेना चाहिए। अच्छा, शूज़ की अगर बात करें तो फिर फाइनली आपके भाई को ये वाले शूज़ पसंद आए, अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है, खूबसूरत शूज़ हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। बाकी इनमें से, इन शूज़ों में से मुझे सबसे पसंद ज़्यादा यही बस शूज़ आए, इसके अलावा और कोई शूज़ नहीं। चले बंदा नॉर्मल रूटीन में पहन सकते हैं, तो हम इसको भी अंदर रख देते हैं। अच्छा, शूज़ लेने के बाद मेरी नज़र फिर एक सॉक्स पे पड़ी, तो सॉक्स की अगर बात करें तो ये एक बंडल में ऑलमोस्ट 6 से 7 जोड़े हैं, और इसकी अगर प्राइस की बात करें तो 6 दिरहम में सिर्फ मिल रहे हैं। तो चलें एक बंडल जो है हम ले लेते हैं, ज़रूरत की चीज़ है, काम आ जाती है, हम इसको भी रखेंगे। उसके बाद अगर हम शर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे टी शर्ट्स है समर्स के लिए, अगर जिसने लेनी हो तो इंतहाई मुनासिब कीमतों में भी है, अच्छी क्वालिटी के भी हैं, ये भी ले सकते हैं, हर किस्म की चीज़ें ले सकते हैं। पेंट्स आ जाती हैं, पेंट्स की भी प्राइजेज आपके सामने। तो मैं तो पाकिस्तान से अपने लिए पेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा ले के आया हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने का मकसद ये कि मैंने मिस्टेक की, आप लोग ना कीजिएगा, यहाँ पे हर चीज़ इंतहाई मुनासिब कीमतों में अवेलेबल है। जिस भाई को चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से लोकेशन भी बता दूंगा, अल नाहदा गिफ्ट सेंटर शारजा में भी है, दुबई में भी है, हर जगह पे है, हर एक प्रोविंस में है दुबई यूएई के। फिर उसके साथ शॉर्ट्स की अगर बात करें, यहाँ पे अच्छी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट्स भी अवेलेबल हैं, तो शॉर्ट्स तो मैं लाजमी लूँगा, रात के लिए बंदा इजी होके सो जाता है, रह लेता है, तो शॉर्ट्स भी पसंद कर लेते हैं अपने लिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। तो शॉर्ट्स की अगर बात करें तो मैं बस कहता हूँ कि ये शॉर्ट ज़्यादा कंफर्टेबल है, इस शॉर्ट को चूज़ कर लेते हैं। इसके अगर प्राइस दिखाऊँ आपको ये सिर्फ और सिर्फ 10 दिरहम का, तो एक हम ये भी ले लेते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब मैं बाकी आगे घूमना नहीं चाहता, तो फिर मुझे और भी लेनी पड़ जाएंगी, बजट भी देखना है अपना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह फिर। तो ये आज की वीडियो थी, यहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ दिखा दिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।